ओम शुक्लानंबरम विचार सार परमा मध्य जगत व्यापनी बीना पुस्तक दाजरंद करापहम असफाटिक मालिकम दिधतिक पतमासने संतिदां बुद्धि दं भगवती बुद्धि प्रदां सारदम ओम महा श्रोषदी महामाई विद्या कमल लोचिनी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्या देही परमेश्वरी। ये हरियाणा सोनीपत में नांगल खुर्द गांव है, जहाँ कुछ बहुत से आदमी है, ये देखिए 20 से 50 आदमी है जो बिहार से आकर के सोनीपत के नांगल गांव में भी आस्था रखते हैं माँ सरस्वती का पूजन करने का। बच्चे भी है, लेडीज भी है, इसमें बुजुर्ग भी है, कुछ स्थानीय लोग भी आए हैं जो भगवान सरस्वती का पूजन कर रहे हैं और इनमें आस्था है। बहुत से अच्छे बात है कि आस्था है, लेकिन आज के इस कलयुग टाइम में भी, इस कलयुगी टाइम में भी बहुत आस्था रखने वाले होने के बाद ये 1300-1400 किलोमीटर से आकर के सरस्वती का पूजा कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य का ये बात है कि इस पूजन के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों को ज्ञान नहीं है कि माँ सरस्वती विद्या का देवी है, और माँ सरस्वती अगर विद्या दे तो बच्चे उच्च पद पे पहुँचते हैं। तो इसलिए सरस्वती का पूजन तो हर किसी को करना चाहिए, चाहे स्थानीय हो या कहीं से दूर आए, माँ सरस्वती सबका है। तो ये देखे यहाँ आगे ट्रैक्टर है, आगे वो डीजे रखा हुआ है, नाचते कूदते हुए जाएंगे। आज सरस्वती पूजन का तीसरा दिन है और यमुना माँ में इनका प्रवाहित होगा माँ सरस्वती का, और जय जयकारा करते हुए ये देखें ये कितना भाग्यशाली है। गौर महसूस कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहोगे माँ सरस्वती का जो है ना, ये देखिए ये इकट्ठे होकर के पूजन किए। आप कुछ बताओ। मैं माँ सरस्वती के बारे में बहुत आस्था रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, और कुछ आदमी ऐसे चंद लोग हैं जो विरोधी करते रहते हैं, धर्म पर करते रहते हैं, इसे तो कोई बात नहीं। अच्छा, दिक्कत भी आता है आपको मतलब पूजन करवाने में? आता है दिक्कत, कुछ आदमी ऐसे भी आ जाते हैं, कुछ उल्टा सुल्टा भी बोल जाते हैं, तो उसका भी बर्दाश्त करना पड़ता है मेरे को। चलिए बहुत अच्छे बात है, बर्दाश्त करें और फिर भी यही मन में रहे कि परमात्मा उन्हें भी ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे, जो माता सरस्वती का वो भी पूजन करे। और ये देखिए डीजे आए इत्यादि, ये ला करके ये खर्च किए हैं, अपने जेब से भी मेहनत और मजदूरी का पैसे लगाए हैं, और यहाँ का स्थानीय लोग भी सहयोग दिए हैं, पैसे दिए हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं दिए हैं। बहुत से अच्छे आदमी हैं, इन्हीं के कारण ये पूजन हो रहा है, क्योंकि स्थानीय आदमी भी सब गलत नहीं है, लेकिन जो गलत है उनसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि इन्हें डिस्टर्ब ना करें और पूजन करने दें, क्योंकि ये पूजन माँ सरस्वती का है, कोई भी पर्सनल अपनाए लिए पूजा नहीं कर रहे हैं। तो ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें कि माँ सरस्वती में औरों का भी आस्था बना रहे। तो तब तक के लिए प्रेम से बोलो सरस्वती माता की जय, सरस्वती माता की जय, बिना पुस्तक धारिणी की जय, बिना पुस्तक धारिणी की जय, सिंहवाहिनी की जय, सिंहवाहिनी की जय, पद्म आसनी की जय।